हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर टू, हमारी पृथ्वी के अंदर, ऑफ सेवेंथ क्लास सोशल साइंस। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर टू, हमारी पृथ्वी के अंदर, का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें हम का नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की तीन परतें क्या हैं? पृथ्वी की तीन परतें क्या हैं? पृथ्वी की तीन परतें निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है भू पॉपर्टी, मेंटल, क्रॉड। ठीक है, भू पॉपर्टी, मेंटल, क्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल क्या है? सेल क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ठीक है, सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन प्रकार के सेलों के नाम लिखें। तीन प्रकार के सेलों के नाम लिखें, इसमें इसका आंसर देखते हैं। तीन प्रकार की सेलें, फर्स्ट में दिया गया है अग्नेय सेल, औषधि सेल, कायंत्रित सेल। ठीक है, तीन प्रकार की सेलें, अग्नेय सेल, औषधि सेल, कायंत्रित सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्लभेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? क्वेश्चन को ठीक समझेगा, बर्लभेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? आइए इसका हम आंसर देख लेते हैं। बर्लभेदी अग्नि सेल का निर्माण, ठीक है, पहले हम देखते हैं बर्लभेदी अग्नि सेल का निर्माण। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ठीक है, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बर्लभेदी अग्नि सेल कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बर्लभेदी अग्नि सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, जो इनकी संरचना होती है वो बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतर्भेदी अग्नि सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतर्भेदी अग्नि सेल। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू पॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भू पॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आ जाएगा एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलों के क्या उपयोग हैं। सेलों के क्या उपयोग हैं, इसका आंसर देखते हैं सेलों के उपयोग, फर्स्ट नंबर भी दिया गया है, सेलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी यह सहायक होते हैं। ठीक है, सेलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर दिया है, सड़क निर्माण में सहायक, विभिन्न खेलों में उपयोग। ठीक है, विभिन्न खेलों में उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायांत्रित सेल क्या है। कायांत्रित सेल क्या है, इसका आंसर देखते हैं अग्नि एवं औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, अग्नि एवं औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अग्नि एवं औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो राइट है उसे हमें चूज करके लिखना है। द्रवित मैग्मा से बने सेल, द्रवित मैग्मा से बने सेल ऑप्शन देख लेते हैं, अग्नीय औषधि कायांत्रित, तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा अग्नीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत प्रॉपर्टी क्रॉड और मेंटल, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा क्रॉड। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रॉड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोना पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। सोना पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, शैल खनिज जीवाश्म, इसका राइट आंसर आ जाएगा खनिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, फर्स्ट नंबर पे दिया गया औषधि सेल, कायांत्रित सेल, अग्नि सेल, तो इसका राइट आंसर आएगा औषधि सेल। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रॉपर्टी मेंटल क्रॉड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रॉपर्टी। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पतली परत प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औषधि सेल औषध से बनती है, औषधि सेल औषध से बनती है, इसका आंसर देखते हैं, सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर, सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इन छोटे कणों को औसत कहते हैं। ठीक है, इन छोटे कणों को औसत कहते हैं, ये औसत हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अध औसत दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। ठीक है, सेल की परत बनाते हैं, इस प्रकार के सेलों को औषधि सेल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेलों को औषधि सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, इन सेलों में पौधों जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे कि
जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, इसका आंसर है चूना पत्थर एक औषधीय सेल है। ठीक है, चूना पत्थर एक औषधीय सेल है। औषधीय सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, जो औषधीय सेल होते हैं उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,